एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि यदि आप सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं और पेपर देना चाहते हैं, तो जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि एलएस ओनली या फिर एलएस विद जेआरएफ। इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा फिल करना है, एलएस ओनली फिल करें या फिर एलएस विद जेआरएफ फिल करें। तो इसी डाउट को मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूं। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं और पेपर देना चाहते हैं तो फॉर्म अभी निकले हुए हैं। 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक आप कभी भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो लगभग टाइम कंप्लीट होने वाला ही है। तो आपने अभी तक अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं। और ये कंफ्यूजन अगर आपको भी आता है कि एलएस ओनली है या एलएस विद जेआरएफ है, तो इसका आंसर मैं आपको दे देती हूँ। देखिए, पहले जान लेते हैं कि एलएस क्या होता है और जेआरएफ में डिफरेंस क्या है। देखिए, एलएस का फुल फॉर्म होता है लेक्चरशिप और जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी कि अगर आप एलएस क्वालिफाई करते हैं, जिसको हम कॉमनली नेट भी बोल देते हैं, तो अगर आप केवल नेट क्वालिफाई करते हैं या एलएस क्वालिफाई करते हैं, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट की हेल्प से पीएचडी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जेआरएफ को क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, क्योंकि यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है तो ऑटोमेटिकली नेट भी क्वालिफाई माना जाता है। तो यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, और यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं गवर्नमेंट की हेल्प से, यानी गवर्नमेंट आपको फंड करे, फेलोशिप दे, तो आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आप एलएस वाले कॉलम को फिल करते हैं, यानी कि यदि आप फिल करते हैं कि आपको खाली एलएस चाहिए, तो आपका केवल एलएस ही होगा, केवल नेट ही होगा। लेकिन यदि आप अगर फिल करते हैं एलएस विद जेआरएफ, तो यहां पर आपका एलएस भी क्वालिफाई माना जाएगा और जेआरएफ भी क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन होती है। कंडीशन ये है कि नेट के लिए जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी कम जाती है एज कंपेयर टू जेआरएफ। इसकी जो कट ऑफ होती है वो लो होती है, और जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी हाई होती है। ऐसा नहीं है कि पेपर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, पेपर सेम ही होता है, बस मार्क्स अगर आपके कम है, मतलब एलएस के लिए या फिर नेट के लिए जो कट ऑफ होती है वो लो रहती है, और जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ है वो हाई जाती है। तो यदि आपने अपने फॉर्म फिल करते हुए भरा है कि आपको केवल एलएस चाहिए, तो यदि आपका एलएस मतलब क्वालिफाई होता है, एलएस की आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर देते हैं, तो यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और यदि आपने भरा है कि एलएस प्लस जेआरएफ आपने भरा है और आपके मार्क्स जो हैं लो आए हैं, मतलब एलएस कैटेगरी में है, तो आपका एलएस क्वालिफाई माना जाएगा, और अगर आप हाई कट ऑफ को भी क्वालिफाई करते हैं तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन अगर आपने केवल एलएस भरा हुआ है और आपके मार्क्स कितने आ गए हैं, जेआरएफ कैटेगरी वाले मार्क्स आए हैं, तो भी आपका जेआरएफ नहीं माना जाएगा, आपका फिर भी एलएस ही क्वालिफाई हुआ है। लेकिन यदि आप भरते हैं एलएस प्लस जेआरएफ, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप एलएस कैटेगरी में आएंगे, मतलब जेआरएफ में आएंगे, और एलएस भी होगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम हैं तो केवल आपको एलएस मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि जब कभी भी आप फॉर्म भरते हैं तो हमेशा आप इस कैटेगरी को ही फुलफिल करें, यानी एलएस विद जेआरएफ में रखें। इसमें फायदा ये है कि अगर आपके मार्क्स कम हैं तो एलएस क्वालिफाई माना जाएगा, और अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं तो जेआरएफ भी क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन अगर आप खाली एलएस भरते हैं तो अगर आपके मार्क्स हैं तो एलएस क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन अगर आपके मार्क्स जेआरएफ जितने भी आए हैं और आपने केवल भरा एलएस है, तो भी आपका एलएस ही क्वालिफाई माना जाता है। ठीक है, बस यहां पर बात यह रहती है कि एज फैक्टर थोड़ा सा होता है, यहां पर एज लिमिट होती है। जेआरएफ के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 28 है, और नेट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो है लाइफ टाइम। मतलब आप कभी भी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप कभी भी नेट या फिर एलएस का पेपर दे सकते हैं, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आपको जेआरएफ करना है तो इसके लिए एज लिमिट होती है 28 ईयर्स। यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है एससी जो एसटी कैटेगरी है उसके लिए, जो थर्ड जेंडर है उनके लिए, एज वेल एज जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं वो, और जो फीमेल कैंडिडेट है उन सभी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब वो जेआरएफ कब तक कर सकते हैं, 28 में 5 ऐड कर दीजिए, 33 एज तक वो अपना जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब जेआरएफ के लिए पेपर दे सकते हैं। ऐसे ही जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, क्रीमी लेयर के अंदर जो होते हैं, उनके लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है।
द 28 में 3 आप ऐड करेंगे यानी कि 31, तो 31 एज तक वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। और नेट के लिए तो आप हमेशा ही कभी भी आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, नेट के लिए अगर आप देना चाहते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं यानी कि आपकी एज 28 है और आप इन दोनों कैटेगरी में हैं, तो यहाँ आप हमेशा ही जो LS with JRF वाला कॉलम होता है उस पर टिक करेंगे। लेकिन अगर आपकी एज निकल गई है फिर तो आपको LS ही फुलफिल करना पड़ेगा, वहां आपको JRF का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप यहां तक बातें समझ आ गई हैं। इससे अलग भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, अगर रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।